the silo that was leaking is now down to minimal and there is hardly any leakage there. घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए के साथ बैठक की, जिसमें हालात की समीक्षा की गई। पीएम ने अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से विशाखापत्तनम स्थिति पर बात भी की और केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड मीटिंग ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व्हिच ही इज द चेयरपर्सन ऑफ। ही टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड as well as the response that has happened so far and the response that is required from across the board. NDMA की बैठक के बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, NDMA, NDRF, एम्स के निदेशक और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक में मिश्रा ने निर्देश दिया कि घटना स्थल पर विशेषज्ञों का दल भेजा जाएगा। उधर आपदा प्रबंधन बल की रासायनिक, जैविक और विकिरण से निपटने वाली टीम को विशाखापत्तनम में तैनात किया गया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से CBRN की एक स्पेशल टीम को पुणे से घटना स्थल पर भेजा गया है। We are also mobilizing from the central government specialized technical support to assist the medical practitioners in the area who may not have dealt with this kind of chemical emergency. How do you deal with people who have exposed from the medical perspective. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने गैस रिसाव की घटना के पीड़ितों से मुलाकात भी की। जगनमोहन रेड्डी ने गैस रिसाव की घटना में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि एक समिति इस घटना की जांच करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही राज्य सरकार LG पॉलीमर प्रबंधन से बात कर मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग करेगी। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जो लोग स्टायरिन गैस के ज्यादा प्रभाव में आए हैं उन पर इसके कुछ लक्षण दिख सकते हैं। ज्यादातर मामलों में ये जानलेवा नहीं है। By and large, it tends to be an illness which is not universally fatal. In most people, there is good recovery. It causes more irritation of the airways and depending on the degree of exposure, the effect can be much higher. So those who have had a very close exposure, they are the ones who have a higher chance of having severe effects. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापत्तनम के पास हुए गैस रिसाव हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास है कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विशाखापट्टनम में हुई गैस लीक की घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, हम इस घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों के सकुशल होने की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। देश भर में 7,640 क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। We do not anticipate a very worse type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. We have dedicated 843 hospitals exclusively for COVID treatment. Similarly, we have already found and created 7,640 quarantine centers all over the country.